दर्शक हो कि आपका भी अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, सीए या वो इंसान जिससे आप अपना जीएसटी का काम करवाते हैं, वो आपको जीएसटी का पासवर्ड नहीं दे रहा है। आप बार बार मांग रहे हैं, आपको वो बार बार टाल रहा है, या फिर कई बार बदले में ज़्यादा फीस मांगी जा रही है, और आपके पास कोई डिटेल ही नहीं है। ना आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ना यूज़र नेम, ना पासवर्ड, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनका जीएसटी नंबर क्या है। आपको ये भी नहीं पता कि आपका कंसल्टेंट आपकी रिटर्न फाइल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी समस्या का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आपकी लर्निंग आपके हाथ में है। तो सबसे पहले हमें विजिट करना है जीएसटी की वेबसाइट में। जीएसटी की वेबसाइट है, ध्यान दें, gst.gov.in। इसके बाद वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर आप एक टैब देखेंगे, सर्च टैक्स पेयर। आपको इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे सर्च बाय GSTIN। तो सबसे पहले अभी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको कम से कम ये पता है कि उनका जीएसटी नंबर क्या है, और जिन लोगों को जीएसटी नंबर भी नहीं पता उनके लिए आगे दूसरा तरीका बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको, अगर आपको पता है कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, आप यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर डालें, सिक्योरिटी कोड डालें और सर्च कर दें। इससे आपको क्या पता लगेगा, आपको ज्यूरिसडिक्शन पता लगेगी। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब बेसिकली यह है कि किस ऑफिस में और किस कौन सा ऑफिसर आपकी समस्या सुनेगा। क्या होता है कि अगर आप अपने शहर में जीएसटी के ऑफिस में जाएंगे तो आप सुबह से शाम तक घूमते रहेंगे और आपको सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सही ऑफिसर के पास नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले आप जब सर्च करेंगे अपना, तो आपको यहाँ पता लगेगा कि आपकी रेंज क्या है। जैसे मेरे यहाँ पर रेंज आ रही है 85 वार्ड आ रहा है 1, तो इसका मतलब रेंज 85 वार्ड 1 में जो ऑफिसर होगा वो मेरी समस्या सुनेगा। वहाँ कैसे पहुँचना है वो तो मैं भी आपको बताऊँगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपनी ज्यूरिसडिक्शन पता करनी है। आपको याद रखना है आपकी रेंज 85 है, वार्ड 1 है, या जो भी आपका एप्लीकेबल होगा। अब पहले उन लोगों के लिए भी बता देते हैं, उन लोगों को कैसे पता लगेगा जिनके पास जीएसटी नंबर, जिनको याद ही नहीं है कि उनका जीएसटी नंबर क्या है। तो मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ से आप इस एक्सेल शीट को ओपन कर पाएंगे, इसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेट में जाएं और अपनी स्टेट सर्च करें, जो भी आपकी स्टेट है। सिलेक्ट ऑल को पहले हटा देते हैं, और मेरी स्टेट दिल्ली है तो मैं दिल्ली पे सिलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इसका मतलब अब यहाँ पर दिल्ली में जितनी भी रेंज है वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। अब क्या करना है, आपने कंट्रोल एफ टाइप करें और अपना पिन कोड डाल दें। तो सपोज़ मैं एक पिन कोड डाल देता हूँ, फाइंड टेक्स्ट। यानी कि अब अगर आप ये बॉक्स देखेंगे ग्रीन कलर में आ रहा है, तो ये 110059 जो पिन कोड है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो इस अगर पिन कोड में आप आते हैं तो आपके लिए रेंज क्या होगी, 139 होगी, या जो भी आपका पिन कोड है उसके हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको पिन कोड से सर्च नहीं करना है तो यहाँ पर जो प्लेसेस हैं उनका नेम लिखें, अगर इस प्लेस में आपका ऑफिस है तो आपकी ज्यूरिसडिक्शन ये होगी। फॉर एग्जांपल आपका लक्ष्मी विहार या मोहन गार्डन में अगर आपका ऑफिस है तो आपकी रेंज 130 होगी और डिवीज़न उत्तम नगर होगी। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से आप अपनी ज्यूरिसडिक्शन पता कर सकते हैं, और दिल्ली वेस्ट में आएगा ये। अब आपको ज्यूरिसडिक्शन पता लग गई, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑफिस सर्च करना है कि भाई आपका ऑफिस कहाँ है। तो उसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा गूगल। गूगल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सर्च करें, जैसे मेरा दिल्ली में है तो दिल्ली जीएसटी रेंज 85 थी तो 85 ऑफिस। तो इससे हुआ क्या कि जो भी आपकी शहर की जीएसटी की वेबसाइट होगी, ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वो आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आ गई है, यहाँ लिखा रहा है ना लोकेट ऑफिसेस, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो यानी कि मेरी जो स्टेट की वेबसाइट है उसकी अंदर जो भी ऑफिसेज पड़ते हैं उनका यहाँ पर ये एड्रेस आ चुका है। तो मेरी रेंज 85 है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेंज 85 द्वारका, ये ऑफिस का एड्रेस आ गया। तो यहाँ पर मुझे जाना है। इसी तरीके से आप भी अपना रेंज सर्च कर सकते हैं। चाहे आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप पहले वाला ऑप्शन तय करें, यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर सर्च करें। और एक और ख़ास बात, इसी को आप जब नीचे करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी रिटर्न्स कौन कौन सी फाइल हुई हैं, कौन से पीरियड के लिए फाइल हुई है और किस डेट को फाइल हुई है। तो अगर आप
आपका कंसल्टेंट आपकी रिटर्न्स टाइम पे फाइल कर रहा है या नहीं कर रहा है, कम से कम आप सिर्फ सर्च करें और इसके ज़रिए भी आप देख सकते हैं। जब आप अपनी रेंज के जीएसटी ऑफिस में पहुंच जाएंगे, आप वहां ऑफिसर को अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखाएंगे। आपके पैन नंबर से ऑफिसर सर्च करेंगे और कौन आपका कौन सा जीएसटी नंबर है। जैसे ही आपका जीएसटी नंबर पता लगेगा, उससे आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स मैच करी जाएंगी। अगर आपकी डिटेल्स मैच करती हैं तो जो जीएसटी ऑफिसर होंगे वो आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करेंगे और आप उनको अपना एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बताएंगे। वो पासवर्ड रीसेट करेंगे और आप जब घर जाएंगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपकी ईमेल पर मिलेगा और उससे आप एक लॉगिन करके फिर एक नया पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसीजर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग इस समस्या से गुजर रहे हैं और उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो दूर तक फैलाएं, लोगों तक पहुँचे। और आपकी अगर कोई समस्या है जो लगता है आपको इस वीडियो से सॉल्व नहीं हुई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।